Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel. So today we are making egg noodles. For that we need egg noodles, chicken, carrot and capsicum, tomatoes and onion slice, garlic and green chilies, salt, black pepper, mustard powder, red chili powder and tikka powder. And for sauces we're going to be needing soy sauce, vinegar, tomato ketchup and chili garlic. चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने ऑयल गर्म कर लिया और इसको इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक और जो ग्रीन चिलीज हमने पहले से ही काट के रखी है उनको हमने थोड़ा सा भूनना है. तो स्टर करेंगे इसको और आपकी फ्लेम थोड़ी हाई होनी चाहिए क्योंकि एग नूडल्स जो है हाई फ्लेम पर बनती है. बेसिकली इट्स अ चाइनीज डिश. चाइनीज डिश जो है वो बिल्कुल हल्का सा, जैसे आपको गार्लिक की खुशबू आने लगे तो आप इसे चिकन ऐड कर देना जो कि हमने क्यूब्स में काटे. चलिए अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं. इसको तब तक कुक करना है जब तक ये व्हाइट ना हो जाए, अपना कलर ना चेंज कर ले और ये कुक ना हो जाए बेसिकली. तो अब चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया ये. तो अब इसको बिकॉज इट्स कुक नाउ तो अब इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे अबाउट अ टीस्पून एंड विल कुक इट एंड स्टर इट फॉर अ व्हाइल. और इसी स्टेज पर साथ ही चिकन टिक्का मसाला चिकन के अंदर हम ऐड कर देंगे सेम अबाउट अ टीस्पून. तो चिकन हमारा कुक हो गया, अब इट्स टाइम टू ऐड इन वेजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना ऐड इन कैरेट जो कि मैंने जूलियन स्लाइस करके कट कर लिया, ये ऐड कर दूंगी. इसको विल स्टर इट फॉर अ मिनट बिल्कुल हल्का सा बिकॉज वी डोंट वॉन्ट के हमारी वेजीज जो है वो सॉफ्टी हो जाए और वो बिल्कुल ही नर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए. थोड़ा सा इनको क्रंची रखना है. तो थोड़ा सा कुक करके 12 मिनट और फॉर 30 सेकेंड एंड नाउ आई एम गोना ऐड इन कैप्सिकम अगैन जिनको मैंने जूलियन कट में किया हुआ. इसको भी पर अब मैं इसके अंदर डालूंगी बाकी की चीजें. तो इसमें जाएगा सॉल्ट, इट्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं. रेड चिली पाउडर ये भी मैंने लिया है अबाउट 1 टीस्पून. ब्लैक पेपर पाउडर अगैन अबाउट अ टीस्पून. इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप कम डालें. एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग मस्टर्ड पाउडर जो कि बहुत कम लोग डालते हैं मगर इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है. तो मस्टर्ड पाउडर डालेंगे, ये अबाउट 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए. और अब इसको अभी मैंने अनियन टमेटो कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ये डाल के इसको मैं सर्व कर लूँ बेसिकली. और अब मैं इसमें डालूंगी अनियन जिसके मैंने स्लाइस कर लिए. अनियन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन ये है कि अनियन डाल के आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि वी नॉट मेकिंग अ ग्रेवी, इसमें क्रंच आना चाहिए अनियन. और सेम यहाँ पर अब मैं अगेन विनेगर डालूंगी जो कि बाकी का मेरा रह गया था. तो अबाउट 1 टेबल स्पून नाउ 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था और अब 1 टेबल स्पून मैंने डाला. अगेन स्टर फ्राई करेंगे थोड़ा सा. सोया सॉस अबाउट 2 टेबल स्पून और फ्लेम मेरी हाई है. थोड़ा सा करके फिर मैंने इसमें डालूंगी टमेटो केचप, ये है अबाउट 1 टेबल स्पून हीट एंड चिली गार्लिक सॉस अगैन 1 टेबल स्पून हीट. यू कैन ऑर्डर इट अकॉर्डिंग योर टेस्ट
but I like it to be a bit spicy. तो अब हमारी वेजेस जो हैं तो थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया डाल के सब कुछ. अब इस स्टेज पे आई एम गोइंग टू पुट इन टोमेटोस अगेन, जिनको मैंने जूलियन स्लाइस कट कर लिए. जूलियन देखने में बहुत अच्छा लगता है एंड अगेन अगर आपकी कटिंग भी अच्छी है तो उसका टेस्ट भी अच्छा इम्पैक्ट होता है. बिल्कुल फॉर अबाउट 30 सेकेंड हमने स्टर किया एंड एट दैट पॉइंट आई एम गोना ऐड इन एग नूडल्स विच आई हैव बॉइल्ड ऑलरेडी, और इनको मैंने ऑयल लगाकर साइड पर रख लिया था. और ये जो इसका पानी थोड़ा सा रह जाता है बेसिकली आ स्टॉक, अगर आप ये भी डाल दें तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है. तो अब इसको डाल के हमने जस्ट इसको मिक्स कर लिया एंड दैट्स आवर एग नूडल्स डन. So we're just going to mix it and I'm going to show you it. तो ये हमारी एग नूडल्स तैयार हो गई हैं और आई एम श्योर आपको आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छी लगेगी. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. इट्स माई फर्स्ट वीडियो सो आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.